वेलकम बैक, आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, और द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में आज हम करेंगे इनफर्टिलिटी पे बात। इनफर्टिलिटी जिसको उर्दू में बांझपन कहा जाता है, लेकिन इनफर्टिलिटी का ही लफ्ज़ मैं बार बार दोहराऊंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। वो तमाम लोग जो कि बेबी कंसीव करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन फॉर एनी रीज़न ये नहीं हो सकता, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, फिजोलॉजिकल हो, कोई भी रीज़न हो, उस बारे में आज हम बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा नाम जो कि जब मेरे दिमाग में आता है और जब उन लोगों के दिमाग में आता है जो इन डॉक्टर को जानते हो, तो वो नाम ही लगता है जैसे कि सोल्यूशन है, क्योंकि इतने सारे सक्सेसफुल केसेस हैं इस नाम से रिलेटेड जिनसे मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ। आप कहीं भी रहते हो पाकिस्तान में, आप कराची, बहुत सारे लोग मैं ख़ास तौर पे जानती हूँ जो यहाँ आकर इलाज करवाते हैं, यहाँ आकर जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं एंड सक्सेसफुल होते हैं। मैं मिलवाना चाहूँगी आपको, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, डॉक्टर ज़ेरियाब सेठना हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट लेडी डफरिन हॉस्पिटल, लाइक एवरीबडी नोज, क्लिनिकल डायरेक्टर एट द फर्टिलिटी क्लिनिक बाय सेठना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन टुडे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इससे लोगों को आज इंशाल्लाह अवेयरनेस क्रिएट होगी। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर सेठना, बहुत सारे लोग जब उनको पता चलता है इनफर्टिलिटी के बारे में, वहीं वो सारी उम्मीदें अपनी काइंड ऑफ लाइक होपलेस हो जाते हैं, सही है? तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अगर एक्सप्लेन करें कि इनफर्टिलिटी है क्या और क्या चांस है कि फिर भी आप बेबी। देखिए, इनफर्टिलिटी बेसिकली एक कपल ट्राई कर रहा है फॉर अ बेबी फॉर वन ईयर, और अगर उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं होते तो फिर देन दे शुड किसी से हेल्प लें, किसी प्रॉपर जगह पे जाके अपना चेकअप करवाएं। एंड ये बहुत कॉमन चीज़ है, कोई इसमें ऐसे डिप्रेस होना या परेशान होने वाली बात नहीं है, ना आई मीन इसका क्योर है, ट्रीटमेंट है, एंड वन शुड सीक प्रॉपर हेल्प। यस, जब हम इसकी वजूहात के बारे में बात करते हैं तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है और कौन सी ऐसी हैं जिनको नहीं कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, तेरा थिंग जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एज, जितनी यंग एज पे डायग्नोज हो जाते हैं और जितनी जल्दी आप इसको ट्रीट करवाएं उतना फ़ायदा है। सही। जितना आप उसको लंबा छोड़ते हैं, लेट्स से आप 30 की एज पर आपको डायग्नोज हुआ और फिर नहीं आप ट्रीट करवा रहे हो, फिर आप 38-39 की एज पर आते हैं, आप बोलते हैं आप ट्रीटमेंट करते हो, चांसेस कम होते जाते हैं। तो जितनी जल्दी एज को आप एड्रेस कर सकते हैं आप करवाएं। एंड फिर चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, वेट ज़्यादा होना, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, थायराइड इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस है, जितना इनको आप कम करें, अपनी लाइफ को आसान करें, उतने बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही, जैसे कि आपने ये सारी वजूहात बताई, तो कितना ज़रूरी है वेल बीइंग, फिजिकल वेल बीइंग होना माँ बाप की जब वो आपके पास आते हैं, तो कोई ऐसी गाइडलाइन है जो आप जनरली सबको कहते हैं कि अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है? बिल्कुल, जैसे ये पूरी दुनिया में होता है, बेसिक होता है कि आप अपना वेट अगर ज़्यादा है तो वेट को कम करवाएं, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरा दिन कंप्यूटर पे होते हैं या फ़ोन पे होते हैं या घर के काम करते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटा दिन में वॉक कर लें। सही। खाने पीने में ऑयली चीज़ें, मिलावट की चीज़ें, फास्ट फूड कम करें, अपना अगर थायराइड का इशू है, डायबिटीज़ का इशू है, उसको बिल्कुल कंट्रोल में लेके आएँ। स्ट्रेस, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत अफेक्ट करती हैं। दीज आर थिंग्स जो आराम से कंट्रोल में ला सकते हैं, कंट्रोल की जा सकती हैं, वो चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमें शो में कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल अगर पूछना चाहते हो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, किसी प्रोसीजर से रिलेटेड, तो हमारा नंबर जो है वो मुसलसल स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर सेठना यहाँ मौजूद हैं जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब, जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं या प्रोसीजर्स की बात करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमनली की जा सकती हैं? देखिए, सिंपल चीज़ें जैसे लाइक यू पॉइंटेड आउट के जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, सबसे बेसिक, सबसे इजी टू डू। उसके बाद देन एडवांस ट्रीटमेंट्स आते हैं, टैबलेट्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, देन यू कैन गिव मल्टीविटामिन्स, वैसी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद वी हैव एक्सट्रीम एडवांस टेक्निक्स जो फर्टिलिटी क्लिनिक में अवेलेबल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल IUI, जिस इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, IVF या टेस्ट ट्यूब है, फिर जेनेटिक स्क्रीनिंग्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होता है, इश्यूज होते हैं,
दैट्स मैं कहता हूँ कि आप सून कांटेक्ट करें हॉस्पिटल से, अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से, जहाँ पे भी आप पाकिस्तान में, और उनसे ट्रीटमेंट जल्दी हासिल करें. दैट्स माय आज अगर एक मैसेज है तो वो है कि आप जितनी यंग एज पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें उतनी ही जल्दी इसको ट्रीट करवाएं. ये बहुत अच्छा मैसेज है डॉक्टर साहब, बिकॉज अक्सर कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि अभी अगर बेबी नहीं करना तो इट्स ओके, मगर अगर आपको फ्यूचर में करना चाहते हैं तो जितना जल्दी उसका आप ट्रीट करवा लें उतना बेहतर है, उतने ज़्यादा चांसेज हैं, राइट? एग्जैक्टली. अच्छा, एक एथिकल सवाल ये आता है कि जब आपके पास कोई कपल आता है तो कभी ऐसा होता है कि वो जो एक ब्लेम गेम होता है, आपको पता है हमारे माशरे में अगर जैसे मर्द की तरफ से कुछ शॉर्टकमिंग है तो उसको भी डिफरेंट नज़रिए से देखा जाता है. मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूँगी, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन हमारे साथ मौजूद हैं? हेलो जी, हमारे साथ कौन मौजूद हैं? आपकी आवाज़ हमें आ रही है. हेलो. हेलो जी. जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही. अच्छा, मेरी आपकी आवाज़ हमें आ रही है, तो आप प्लीज़ अपना सवाल कर सकते हैं डॉक्टर सेठना से. मैडम, इस तरह है कि हम लोग डॉक्टर साहब से IVF ट्रीटमेंट कराते रहे, एक मर्द हमारा प्रोसेस जो है ना, हमने उनसे कराया था तो, लेकिन हम उसमें नाकाम हो गए थे. ठीक है, बेबी नहीं बन सका था. ठीक है, तो हम कहते हैं अगर दोबारा उनके पास जाएं वो हम करें कुछ. ठीक है, अनिला सोबदार के नाम से, वो जानते हैं नाम हमारा. आपका नाम दोबारा बता दें डॉक्टर साहब को, हो सकता है याद आ जाए. अनिला सोबदार, बलूचिस्तान से हैं, सजदार खान. ठीक है, अभी आपको डॉक्टर साहब बताते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. थैंक यू फॉर कॉलिंग. बिल्कुल, IVF एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सक्सेस रेट्स, ऑब्वियसली दुनिया में कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें 100% ट्रीटमेंट हो. IVF का जो अपना सक्सेस रेट इंटरनेशनली है वो 35% है, 35 गोइंग अप टू 38, 39, 40% डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, एंड ऑब्वियसली दूसरे फैक्टर्स होते हैं. तो बिल्कुल, अगर आई एम सॉरी फेल हो गया, बट आपको वापस आना है, आप आए and we can help you out and see how we can make things successful for you in the future. Absolutely, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए. और डॉक्टर साहब, जब ऐसा होता है कि कोई ऐसा केस आता है जो कि पहली बार सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई ऐसा कुछ मिरेकल स्टोरी और अ वेरी हैप्पी स्टोरी जो आप बताना चाहेंगे कि काफ़ी बार फेल होने के बावजूद दे कुड कंसीव? जी, आई मीन दिस इज ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमने देखा है कि वी हैड पेशेंट्स जिनने 12 IVF करवाएं, और 12 IVF हमारे साथ नहीं, बट दे कम एंड टेल अस दी स्टोरीज, एंड 12 IVF के बाद एक बेबी हुआ है. द प्रॉब्लम विद IVF इज आप करवा तो बहुत सकते हैं, बट एक्सपेंसिव बहुत होता है. सो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, एंड सक्सेस की जो गारंटी होती है वो गारंटी होती है 35, 36, 37% इंटरनेशनली. तो ये तो पेशेंट के पे डिपेंड करता है कि कितने वो IVF करवा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, फाइनेंशियल भी यहाँ पे कंस्ट्रेंट एक आता है. कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, इनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ और क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर सेठना से? मैं गुलाम अब्बास बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से. गुलाम अब्बास साहब बोलिए प्लीज, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर सेठना से? जी, हमारे बच्चे नहीं है, 15 साल शादी को हो गए, तो हम कसूम इंटरनेशनल में विजिट किया था एक वीक पहले. ठीक है, तो रिपोर्ट सारी ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप जो है ना टेस्ट बेबी वाला करवा लें, तो वो ये पूछना था कि वो कितना एक्सपेंसिव है और कितने परसेंट उसके चांसेस होते हैं. कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि वो ठीक नहीं होता, परसेंटेज कम होती है. ठीक है, या उसकी वाइफ की हेल्थ पे असर पड़ता है. अच्छा, सही है. वो जो प्रोसीजर के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो टेस्ट ट्यूब है, तो उसकी प्राइस और उसकी चांसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं. देखिए, थैंक यू फॉर कॉलिंग. वाइफ, पहले तो टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें मुकम्मल इलाज जो होता है वो इंजेक्शन के थ्रू होता है. अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, 15 से 1 महीना इंजेक्शन लगता है, एग बनाते हैं, एग निकालते हैं, उस दिन फर्टिलाइज करते हैं. इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क कम होते हैं, मदर पे यूजुअली ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते. सक्सेस रेट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डिपेंडिंग ऑन दी एज, जितनी यंग एज होती है उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस एंड वेरी वेल टॉलरेटेड, एंड कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं. तो
ये होता है, कॉस्ट का इसका डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, उसके बाद हमारे नेक्स्ट कॉलर से भी बात करते हैं कि जब भी इस तरह का कोई बहुत बड़ा डिसीजन होता है ना लाइफ में, बहुत अच्छी बात है कि आपने कॉल की डॉक्टर सेठना को पूछा, हमेशा सेकेंड ओपिनियन, आपका दिल नहीं मान रहा, थर्ड ओपिनियन, बहुत बड़ा डिसीजन है ये, तो मेक श्योर जिसके पास आप जा रहे हैं वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हों, उनकी अच्छी रिव्यूज जो हैं वो सब आपको दें, फिर उनसे ऐसा कोई इलाज करवाएं। तो आई एम श्योर कि आप अभी अपने ओपिनियंस जो है वो आई एग्री विथ यू के इट्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट है, आप ट्रीटमेंट सर्जरी करवाते हैं, आप लोगों से जाके पूछते हैं, ओपिनियन लेते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर सेंटर पर जाके ट्रीट करें और फिर ओपिनियन लें, लोगों से बात करें, बट टाइम ना वेस्ट करें अगेन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारी नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मिसेस जुनैद हैं कराची से, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिसेस जुनैद और क्या पूछना चाहेंगी से डॉक्टर से? जी मैंने अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे पूछना था कि मैंने IVF कराया था ये डॉक्टर जरिया आपके क्लिनिक से, डॉक्टर नवीरा होती हैं, उनसे करवाया था मैंने और वो सक्सेसफुल भी हुआ माशाल्लाह, लेकिन मेरे ट्विंस थे, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया था 5th month में, वाटर बैग लीक हो गया था मेरा, तो वजह एक ये पूछनी थी कि वजह क्या है, और ये मैं मेरे फ्रोजन भी रखे हुए, तो मैं कितने मंथ बाद उसको मैं वापस करवा सकती हूँ, मतलब क्या बोलेंगे अंदर, मतलब ठीक है कितने मंथ बाद आप दोबारा किसी प्रोसेस के लिए जा सकती हैं, हम आपको डॉक्टर साहब अभी बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर। आई एम रियली सॉरी मिस जुनैद के ये आपके साथ हुआ, इट्स वेरी ट्रेजिक कि देखिए इतनी मुश्किल से प्रेग्नेंट हुए, फिर यू गेट द गुड न्यूज कि यू हैव प्रेगनेंसी और ट्विंस, और फिर अनफॉर्चुनेटली दूसरे सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होता है, लीकिंग होती है, इट्स हार्ट ब्रेकिंग और बहुत दिल टूटता है, बट इंशाल्लाह इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप प्रेगनेंट हुई, गॉड विलिंग आप दूसरी दफ़ा भी होंगे, और मेरा मशवरा होगा कि थोड़ा सा जब एक दफ़ा फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं ये बहुत अच्छी खबर है, तो थोड़ा सा जब आप रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाए, फिर इंशाल्लाह आप दूसरी दफ़ा ट्राई करें, एंड वी विल ट्राई डिफरेंट थिंग्स टू प्रिवेंट दिस के वापस नहीं हो। ठीक है, और डॉक्टर साहब इसमें कोई है खास, कोई मिनिमम टाइम है कि इस टाइम के बाद आपको अब ट्राई करना चाहिए? आई थिंक देखिए अब इट डजंट मैटर, अगर एक सिंपल IVF फेल हुआ 3 महीने बाद आप वापस कर सकते हो, बट अब जैसे मिसेज जुनैद का केस है जिन 20 वीक्स में लीकिंग हुई है, सो प्रेगनेंसी हुई थी, इट वॉज एडवांस प्रेगनेंसी, मे बी आई वुड सजेस्ट 6 months to a year एक अपना आपको ब्रेक दें, जी साइंटिफिक तो नहीं है, बट जब बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, बंदा थोड़ा सा मेंटली पीस पे आ जाए, फिर बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो आपके कंट्रोल में है वो है स्ट्रेस, और वो ऑफकोर्स आप अपने आप को ये इतने सारे मंथ्स दे सकते हैं एक स्ट्रेस फ्री तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन कम स्ट्रेस वाली लाइफ गुजारने के लिए, राइट। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, जवेरिया हमारे साथ मौजूद है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया कोई बात नहीं, हो सकता है डॉक्टर साहब की आवाज़ आपको सही आए, आपका जो भी सवाल है डॉक्टर सेठना से वो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, हेलो डॉक्टर, और मैं आपकी पेशेंट थी अराउंड 5 years बैक, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया था, बहुत मतलब किसे कहते हैं ना, मैं आप मेरे लिए कैसे फरिश्ता हैं या क्या कहूँ, लिटरली आई लाइक रो रही हूँ इस वक्त भी, मैंने बड़ी मुश्किल से कंसीव हुआ था और I had to go through for 5 years infertility के, और जब मैं जब भी आपसे मिलती थी आप उधर पे दूसरे क्लिनिक पे थे, जब भी आपसे मिलती थी तो ऐसा लगता था कि शायद कोई मसला ही नहीं है ज़िंदगी में और मेरा बेटा है 5 साल का है, I also had twins but वो unfortunately 21 days के बाद after birth I had premature delivery और वो सब, but still I have a baby और वो माशाल्लाह 5 साल का, बहुत मैं शायद बहुत सारे लोगों को बता चुकी हूँ इन 5 years में, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं किससे ट्रीटमेंट हुआ, तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ और ज़रूर कहती हूँ कि ज़रूर जाएं, जो ये कैप्शन आ रहा है ना खुशी की उम्मीद, बिल्कुल ये सही बात है, बहुत बहुत आर एन एंजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पे डॉक्टर साहब शायद इनको सही आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं इनको अभी बताती हूँ, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि क्या कह रही थी, कही थी कि जब से आप सक्सेसफुली कंसीव हुआ बेबी 5 साल का है, उनके लिए आप किसी फरिश्ते से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा तारीफें कर रही थी। आई नो, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, आई मीन इट्स लाइक मेडिसिन, सक्सेसेस भी होते हैं एंड कभी कभी फेलियर्स भी होते हैं,
बट इट्स बहुत ही एक सेटिस्फाइंग फील्ड है. मैं वापस लोगों को कहता हूँ कि इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए इंसान को. हेल्प करें, कोशिश करें, बाकी तो सब खुदा के हाथ में. वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट. एब्सोल्युटली. ब्रेक पे जाने का टाइम है. ब्रेक पे जा रहे हैं इस नोट के साथ कि एक ये एक ऐसी चीज़ है, आप ट्राई करें, पूरे दिल से करें. हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप ट्राई कर सकते हैं. डॉक्टर ज़रियाब सेठना हमारे साथ मौजूद होंगे, आपकी कॉल्स का हम इंतज़ार करेंगे. ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं और आपके तमाम सवालात का जवाब देते हैं. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो. द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में डॉक्टर ज़रियाब सेठना हमारे साथ मौजूद हैं. इनफर्टिलिटी पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस उम्मीद के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने देखा है बहुत सारे लोगों में वो उम्मीद जागी, वो गए डॉक्टर ज़रियाब सेठना के पास, या फॉर दैट मैटर किसी भी अच्छे प्रैक्टिशनर के पास, एंड सक्सेस या फ़ौरन मिल गई, थोड़े अर से बाद ही गुड न्यूज़ मिल गई, मगर मिली. इस बारे में हम बात कर रहे हैं. डॉक्टर सेठना, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि स्टैट्स की अगर हम बात करें तो कितना कॉमन है इनफर्टिलिटी का इशू इन पाकिस्तान एंड ओवरऑल. अच्छा, पूरी दुनिया में दे क्लेम के इट इज़ एस्टिमेटेड के 10% ऑफ द पॉपुलेशन, 10% परसेंट में इनफर्टिलिटी होती है. सही. पाकिस्तान में मैं कल रात रिसर्च कर रहा था तो ये कोट करते हैं अप टू 20%. तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, माने 10 में से 2 लोगों को होता है. इट्स ए डिज़ीज़, इट इज़ अ डिज़ीज़ जो ट्रीट करते हैं. तो अगर किसी को डेंगू होता है, मलेरिया होता है, खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज करवाते हो, तो इसमें क्या शर्म की बात है. इधर भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंड आप जाएं ट्रीटमेंट हासिल करें, एंड इंशाल्लाह गॉड विलिंग यू विल गेट सम गुड न्यूज़. बिल्कुल. कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं जी? कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैडम, अब्दुल रऊफ गवादर से. जी क्या कहना चाहेंगे सर, डॉक्टर सेठना हमारे साथ मौजूद हैं. मैं डॉक्टर सेठना का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. उसकी बदौलत आज हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं. क्या बात है. कब गए थे आप इनके पास, कितनी उम्र है आपके बच्चों की? जी 12 से अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह. और ये सर बहुत नेक इंसान है, नेक नियत है, और सर ने हमसे एक रुपया भी चार्ज नहीं किया. हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हम आए थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे. सर ने हमारा पूरा ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. क्या बात. और हमारी बहुत सारी मदद थे की. क्या बात है. आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो उम्मीद हार देते हैं और कहते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, बिल्कुल उम्मीद कभी भी नहीं हारना है. अल्लाह पर भरोसा करना है और ट्रीटमेंट करना है. बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल. हमारे पास ऐसे सर जैसे काबिल एहतराम डॉक्टर हैं. डॉक्टर साहब आप कैसे हैंडल करते हैं इतनी सारी दुआएं, इतना सारा प्यार, कैसे हैंडल करते हैं? थैंक यू थैंक यू. अल्लाह सर गरीब को और जिंदगी दे दे, कभी कामयाब हो जाए, गम परेशानी नहीं आए सर पर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आपकी दुआएं डॉक्टर साहब के लिए आई थिंक ये मोटिवेशन है शायद इनकी. और एक और कॉलर भी हमारे साथ, उनसे करते हैं बात. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो गुड मॉर्निंग आयशा. गुड मॉर्निंग. ये आपके लिए एक सरप्राइज कॉल है डॉक्टर सेठना. आपने गेस करना है किनकी कॉल है. कैसी हैं आप, कौन है और क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर सेठना से? मैं मसाला टीवी की ही हूँ. मैं जारनक सिद्वा हूँ और मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब और उनके वालिद साहब मरहूम डॉक्टर फरीदुन सेठना, जो हमारे डॉक्टर फ्रेडी सेठना के नाम से हम जानते थे, उन्होंने लेडी डॉक्टरन के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, सारे लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि हम बयान नहीं कर सकते एक मॉर्निंग शो में. So I'd just like to say thank you, doctor, and to your family. And मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि I was born to very old parents. तो इनके फादर ने मेरी मदर को ट्रीट किया था और मेरे भी दोनों बच्चे यहीं लेडी डफरिन में ही पैदा हुए थे. अमेजिंग. I'd just like to say thank you, Dr. Zaryab, and all the best. Thank you so much, Zarnak. ने अपना ऐसी ये चीज शेयर की है, ये एक्सपीरियंस शेयर किया, which is beautiful. And डॉक्टर साहब, जब इतना आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू ब्रिंग स्माइल्स टू सो मैनी पीपल्स फेसेस, राइट, वहाँ पे आप ये भी देखते होंगे कि जो मर्द और औरत की इनफर्टिलिटी का जो रेशो है वो
हमेशा जब इनफर्टिलिटी का नाम आता है तो फौरन दिमाग में पहले औरत आती है, पीपल थिंक कि औरत ज़्यादा होता है। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ नंबर्स में, स्टैट्स में बताएं कि क्या ये ऐसा है, ये रेशो नहीं। द साइंटिफिक एविडेंस इज़ कि 1/3 ऑफ इनफर्टिलिटी मेल में होता है, 1/3 फीमेल में होता है, और 1/3 जो होता है वो अनएक्सप्लेन्ड होता है। अनएक्सप्लेन्ड के मतलब कि दोनों नॉर्मल होते हैं फिर उसके बावजूद बेबी नहीं होता, फिर उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। एंड लाइक आई सेड के 90% ऑफ इनफर्टाइल कपल्स आराम से ट्रीट हो जाते हैं, 90%। तो सक्सेस रेट हाई है, इट्स हैप्पीनेस आती है, माने इट्स अ गुड फील्ड ऑफ मेडिसिन जिसमें खुशी बहुत आती है। एब्सोल्युटली। हमारे साथ कॉलर दोबारा से मौजूद है, मिसेस अवास मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर से इतना से क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे डॉक्टर साहब को पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, काफी दिनों बाद आपको आज देखा, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, मेरी सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पेशेंट थी और 5 साल के बाद उनकी औलाद हुआ हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यानी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनमें इनफर्टिलिटी का इशू आया था, तो आपने हमें IVF सजेस्ट किया था। और डॉक्टर साहब हमने बहुत कोशिश की है लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अभी एक भाई की कॉल सुनी कि आपने उनके लिए फीस अभी अल्लाह किया। मैं ये तो नहीं कहती कि आप कोई फीस अभी अल्लाह करें, लेकिन अगर आप कोई मैक्सिमम कंसेंट हमारे लिए कर दें। डॉक्टर साहब मैं 2 साल से सिर्फ वेट कर रही हूँ कि कब पैसे जमा हो, कब मैं आपके पास हूँ। और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा शौक है, जब से मेरी बहन का बेबी हुआ है आपके यहाँ से तो मैं तो और ज़्यादा विलिंग हूँ, लेकिन बस पैसों की वजह से हम लोग IVF की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूँ कि देखिए आप पहले तो क्लिनिक को कांटेक्ट करें एंड आप उनसे एक अपॉइंटमेंट लें, उनसे जाके मिलें, जो हमारी तरफ से होगा वी विल ऑब्वियसली हेल्प यू टू आवर बेस्ट कैपेबिलिटी। बट आई नो के IVF का पूरी दुनिया में इतना एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में तो फिर भी रेट्स कम है बनिस्बत दुनिया। प्रॉब्लम ये हो कि सारी दवाइयाँ बाहर से आती हैं, इनका सारा जो मीडिया आता है, इक्विपमेंट आता है, इज पूरा इंटरनेशनल बाहर से आते हैं। तो जितना भी हम कोशिश करते हैं ना कि इसको रेट्स डाउन रखें, ये पड़ता थोड़ा सा महंगा है। बट वही वाली बात है कि इसके चांसेस ऑफ सक्सेस इज़ गुड एंड आप डेफिनेटली क्लिनिक को कांटेक्ट करें एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु कम्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी दे, जिस तरह आपने बहुत सारे लोगों की गोद में फूल खिलाए ना, अल्लाह पाक आपको इसका बहुत अजर दे। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अब्बास। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आप ट्राई करें ना, और अगर फॉर एनी केस अगर आपको फॉर इंस्टेंस वो रिजेक्ट नहीं करते किसी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इतने सारे लोग होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका केस नहीं देखा गया, बाद में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बार बार ट्राई करते रहें, क्या पता आपका उस दिन लकी दिन हो। और डॉक्टर साहब हमारे साथ फिर एक कॉलर मौजूद है, मेरीन हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, मैं डॉक्टर सैतना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इनके फादर ने जिस काम को इतना अच्छे तरीके से लेकर चले, इन्होंने उसका दुगना तिगना बहुत अच्छे तरीके से उसको स्प्रेड किया है सब में, हर तरह की ये लोगों को केटर किया है, हर तरह की पॉपुलेशन को, जो कि अमीर हो गरीब हो, बिल्कुल जो भी आए इनके यहाँ से फैज ही पाता है। माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम भी इनके यहाँ गए हैं और हमने भी इनके यहाँ फैज ही पाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं अपना ये मसला डिस्कस करूँ कि एक बेबी मेरा 3 साल के बाद हुआ है और शी इज अ बेबी, आई गॉट अ बेबी गर्ल, और उसका मुझे ऑपरेशन इस वजह से कराना पड़ा कि वो जो आड़ा था और पोजिशन की वजह से और ओवर नान नीचे थी। तो अल्लाह का शुक्र नाउ इट्स बीन 4 मंथ, लेकिन अब क्योंकि मेरे हस्बैंड की एज थोड़ा फैक्टर है, 43, ही इज अबाउट टू बी 43 और मैं भी 32 और 33 के दरमियान हूँ, तो हम ये चाहते हैं कि अब हमारा दूसरा बेबी कब होगा, हम इसी उसमें हैं। क्योंकि अब आपको देखें इशूज में, क्योंकि रिटायरमेंट भी करीब है और फिर अगर बाहर जाने, जैसे माई हस्बैंड इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड, तो अब 2 साल का उसमें वक्फा लग सकता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह से हो जाए कि दूसरा बेबी हो, और हम ये भी चाहें कि टू ऑफ द बॉय उसमें क्या हमारे लिए प्रेफरेंस होगी कि हम किस वक्त जाएं इनके पास, और जो है वो क्या पॉसिबिलिटीज हो हमारे लिए, हम चाहते हैं इसके लिए। आप ये बता दें एटलीस्ट कि आप कंसीव करना कब चाहते हैं, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। आप चाहना आप बाहर जाना चाहते हैं वो सही है, बट लाइक आप कंसीव कब करना चाहते हैं?
ये हमें डॉक्टर साहब से यही राय लेनी है अच्छा। कि ऑपरेशन के बाद क्या एग्जैक्ट टाइम होगा, क्योंकि मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा दूसरा बेबी फौरन हो, ताकि मेरे दो दिन बेबी के साथ मैं अपने हस्बैंड के साथ हम बाहर भी जा सके। ठीक है, पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपकी हम इस सवाल का जवाब दे दें शो में, लेकिन थोड़े से हमारे ना रिलेटेड टॉपिक्स थोड़े से रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नंबर यहाँ पे चल रहा है, पूछ सकती हैं, लेकिन मैं समराइज़ कर देती हूँ कि इनका असल में केस बहुत ज़्यादा कोई बेसिक इस तरह से है कि ये बेसिकली टाइमिंग आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। दे वॉन्ट टू गो अब्रॉड, दे हैव अ सन, लेकिन दे आर कंसर्नड कि जो हस्बैंड हैं वो 42-43 की उम्र की हैं और ये 32-33, तो शी इज़ अफ्रेड कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वेट करें तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएँ। सो वो थोड़ा सा जो भी ट्रीटमेंट आप करना चाहें, ट्राई गेट इट बिफोर द एज ऑफ 35। आई थिंक शी शुड, अब ठीक है, अब ये बिल्कुल कोशिश करें अगर दो साल हो गए तो। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमारी काफ़ी सारी हमने आपके लिए कॉल्स ली। एक बहुत बेसिक सवाल डॉक्टर साहब, कि ये जो अवेयरनेस है कि टैबू है ये एक बात कि अगर इनफर्टिलिटी का इशू है तो किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं, इस टैबू को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं? देखिए आयशा दिल, आज का जो शो है इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स इट। फिर देखिए आजकल दुनिया बहुत आगे चले गई, लोग गाँव में भी मीडिया अवेलेबल है, गाँव पे इंटरनेट भी है, मोबाइल्स पे लोगों को पता चलता है। पर लोग, आई थिंक लोगों को परेशानी होती है कि इट्स अ शर्म की बात है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बहुत लोग शर्म लेते हैं इसमें। देखिए किसी को डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तो आप ट्रीटमेंट तो हासिल करते हैं, तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है, इसके लिए आप ट्रीटमेंट हासिल करें। और पाकिस्तान में बहुत एडवांस हम लोग ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहे हैं फॉर जेनेटिक डिजीजेज, क्रोमोसोमल डिजीजेज, ये सारी अवेलेबल हैं। और आपको बस रीच आउट करना है, आपने डिस्कस करना है, कॉन्टैक्ट करना है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, लाइक आई सेड कि 90% ऑफ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेते हैं। बट द सीक्रेट इज कि जितनी यंग एज पे करवाएंगे, जितनी जल्दी आप अपना प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे, उतनी जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है। और एक और सवाल डॉक्टर साहब आपसे, कि जब कोई कपल आपके पास आता है और पता चलता है कि प्रॉब्लम जो है वो मर्द की तरफ से है, औरत की तरफ से नहीं है, क्या क्या रिएक्शंस आप देखते हैं? डिफरेंट रिएक्शंस होते होंगे, एकदम से एक्सेप्टेंस या एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं, क्या क्या? ऑब्वियसली तो सामने कोई मोमेंट नहीं कहता कि मर्द का प्रॉब्लम है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आई डोंट थिंक पीपल पढ़े लिखे हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते। आई थिंक बाद में घर पे जाके क्या इश्यूज होते होंगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। बट जैसे आपको मैंने बताया कि प्रॉब्लम दोनों में 50-50%, 1/3 फीमेल 1/3 मेल, 30% अनएक्सप्लेन्ड, तो पर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। एंड इफ इट अगर है मेल में इशू है तो मेजॉरिटी टाइम्स उनका भी सोल्यूशन होता है, फीमेल में इशू होता है तो मेजॉरिटी टाइम उनका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इट्स नॉट, इसको दिल पे लेके और एक इशू बनाना या अना का मसला बनाना, फिर वो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू। और इतनी सारी कॉल्स आप लोगों ने की, आप तमाम लोगों का जो कि डॉक्टर साहब के प्रोसीजर से, ट्रीटमेंट से गुजरे हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो कि इस चीज़ से गुजर रहे हैं और अभी वो उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं। सो वेल जनाब, एक छोटा सा मैसेज ब्रेक पे जाने से पहले, कि अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, इनफर्टिलिटी है, सबसे पहले तो आपने देखना है, रीच आउट किसको करना है, किसी अच्छे आपने जो है वो डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर सेठना अगर अवेलेबल हैं वहाँ आप जा सकते हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग, लेकिन इलाज मस्ट है। और उसके बाद कम से कम स्ट्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ जो आपके इख्तियार में है, इख्तियार में आपके इलाज करवाना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मोस्ट वेलकम। ब्रेक पे जाने का टाइम है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज क्या सीखे में हम सीखेंगे कुछ एम्ब्रॉयडर्ड हूप्स बाय समबडी हु इज एन इंटीरियर डिजाइनर बाय प्रोफेशन, किस तरह, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। जल्दी से वापस आ जाइए।